ये रही तुम्हारी चीजें, ठीक है ना सब कुछ? मोहन, आज तुम फिर उसी दुनिया में वापस जा रहे हो जहां के रहने वाले तुम्हें खूनी कातिल और समाज का दुश्मन समझते हैं। अब जेल में आने की कोशिश न करना, वरना ये बुरी हड्डियां दोबारा इस दरवाजे से बाहर न जा सकेंगी। जाओ, अब तुम आजाद हो। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा, कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। जाएंगे हम अकेले, जाएंगे हम अकेले ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। क्या हुए वो दिन? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्यों वे महकू का बच्चा फिर गिड़ी पी रहा था? जी नहीं। नहीं तो ये धुआं कहां से निकल रहा है? ये तो खिचड़ी खाई थी गरम गरम। खिचड़ी घर में खाई थी और धुआं स्कूल में निकला? क्या क्या ये सब क्या है? पलीत कहीं के जब देखो मशीन चलाते रहते हैं, मनहूस। अबे आ गए सब? जी माता दी। कल का सबक। अबे तू बता, इस मुल्क में सबसे ज्यादा पानी कहाँ से आता है? हमारी नानी की आंख से। देवत देवत, अबे सबसे ज्यादा पानी आसमान से आता है। तू बता मोहन, सबसे अच्छा काम क्या है दुनिया में? मोहब्बत। तू जरूर तरक्की करेगा, अभी से वो सबक याद कर रखा है। पीछे क्या छुपा रखा है? जी कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ बता बता। जब ही कहूं कि गला क्यों खराब रहता है तेरा? दुनिया में सबसे अच्छी चीज है मोहब्बत और सबसे बुरी चीज है अमरूद। दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? तू बता बे महकूब के बच्चे,
मेरा बाप। बैठ जा बैठ जा, तू नहीं पढ़ेगा। ना जाने माँ बाप ऐसे बच्चे पैदा करके इस मुल्क पर क्यों एहसान करते हैं। मंजू तू बता, दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है? जी मोहन। मधुर मुरली की तान वाले घनश्याम से अच्छा और कौन हो सकता है? मगर बेटा वो आदमी नहीं, भगवान है। पिताजी आप ही ने तो कहा था कि भगवान भी आदमी का रूप लिया करते हैं। सतयुग में रूप लिया करते थे बेटा, अब तो संसार ने वो पलटा खाया है कि भगवान डर के मारे नाम भी नहीं लेते आदमी का। तो ये क्या है मास्टर जी? पुल पर आ, सीधा चल। तू क्या सीधा चलेगा, कंपास कहीं के ना जाने क्या क्या लपेट कर आ जाते हैं। मास्टर को भी चक्कर में डाल दिया। छोटे दादा गाँव। अरे मोहन, अरे बेटा मोहन, कहाँ भागा जा रहा है पागलों की तरह? इधर आ। बापू हम और मंजू खेलने जा रहे हैं। अरे तेरा और मंजू का खेलना कभी खत्म हुआ है ना होगा? भूखा प्यासा मारा मारा फिरता है खामखा को। ले खा ले यहीं बैठ के। ला दादा हम और मंजू खा लेंगे। अरे पगले जूता तो डाल ले पाँव में, कहीं ठोकर लग गई तो बैठ के रोता रहेगा। भगवान जाने कब मेरा मोहन लिख पढ़ कर जवान होगा, और भैया जी कब मैं मामूली खोंचे वाले से बड़ा दुकानदार बनूंगा। अबे मोहन अब नाला में मिट्टी घर बन गया। घर तो बन गया मंजू, मगर मगर क्या, डरता हूँ कहीं तूफान ना आ जाए। तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखते नहीं कितने ऊंचे पर घर बनाया है हमने। ऊपर के घर पहले गिरा करते हैं मंजू, फिर ये तो मिट्टी का घर है। मिट्टी का घर नहीं, लोहे का किला समझो इसे। आंधी आए तूफान आए इसे कोई भी नहीं गिरा सकता। अच्छा चलो दिया बत्ती का सामान करें। ये हूँ मैं घर की मालकन। ये हूँ मैं घर का मालिक। घर भी बन गए, हम तुम भी बस गए। मगर मगर क्या, तुम भी अकेली मैं भी अकेला, कोई तुम्हें ले भागा तो? हाँ मुझे भी डर लगता है, द्वार बंद कर लिए अपने अपने। और मेरा घर कहाँ है? तूने मेरा घर क्यों गिराया? और तुमने मुझसे छुपा घर क्यों बनाया? मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। मैं तेरा मुंह खोल दूंगा। अरे लड़ो मोहन, हम दूसरा घर बना लेंगे। राम जाने किस हवा में उड़ा फिरता है पगला। घर भी मौजूद है और घर में छिपा हुआ बचपना भी। लड़कपन की याद मिटाए नहीं मिलती। क्या जमाना था वो भी, जब हम दोनों इन खिलौनों से खेला करते थे। वक्त सिर्फ इतना हो गया है कि पहले इन खिलौनों से खेला करते थे और आज आज एक और खिलौनों से। भगवान कसम मंजू, जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मालूम होता गांव में सूरज ही नहीं निकला। अजीब बात है, मैं भी जिस दिन तुम्हें नहीं देखती ऐसा मालूम होता है सवेरा ही नहीं हुआ गांव में। तुम सूरज हैं और मैं सवेरा। अच्छा मुझे तुम्हारा हमारा साथ तो नहीं छूटेगा कभी? जीते जी तो नहीं। तो फिर बताओ कल वाली बात। हाँ हाँ कल आने दो, बता दूंगी।
देखो ये रोज उसे कल कल मुझे अच्छी नहीं मालूम होती, तुमको आज बताना ही पड़ेगा, मैं तुमसे पूछ के छोड़ूंगा। तो सुनो, तुम्हें देखकर अपनी सुध-बुध गवा बैठी हूं। तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, एकदम चांद का टुकड़ा हो। जी चाहता है कि मैं तुमसे लगन कर लूं। सच मंजू? फिर उसके बाद राजकुमार ने तलवार चमकाकर जवाब दिया, मैं तुम्हें इस तरह नहीं लड़कर हासिल करूंगा, राणा प्रताप से जंग करूंगा, अपने सर को नारियल की तरह कटवा दूंगा तुम्हारे प्रेम में। अरे बंद करो ये नाटक। रूठ गए ना, मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हारे सर में भेजा नहीं बाजरे का आटा भरा हुआ है। तुम कभी ना समझोगे मेरी बातों को। श्रीमान, ये सब तो मैं आप ही के लिए कह रही थी। सच? अपना मुंह देखा है शीशे में? दूंगा एक हाथ। पकड़ो तो जानू। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। मैं हवा में खो जाऊंगी। मैं पंछी बनकर आऊंगा। तुम फिर भी पकड़ ना पाओगे। मैं बिना पकड़े तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I'm gonna make it through।
पर आकर, खेतों से पर्वत पर आकर जीवन जो जगा ले, जीवन जो जगा ले। दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले। दुनिया है दो दिन का मेला, कुछ रोले कुछ गाले। घर आजा सजन घर आजा, ओ घर आजा मोहन घर आजा। आई सावन ऋतु आई सजन मोरा रोले, है मन लगे तेरे लगन घर आजा। नाराज हो क्या मंजू? काशी तो नहीं चले गए थे यात्रा के लिए? अरे हमारा काशी तो यही है, हम दूसरी जगह जाके क्या लेंगे। फिर कहाँ गए थे? बापू ने सुबह शहर भेज दिया था, देखो सवेरे का गया गया, अब आ रहा हूं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मूर्ख हूं जो आ जाती हूँ मिलने के लिए। मंजू कल मिलनपुर का मेला है, नुक्कड़ पे ही दुकान लगेगी अपनी। अगर तुम आओगी ना तो तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबियां निकाल के रखूंगा। आधी खाना आधी कल के लिए रख छोड़ना, मैं नहीं आती मेले ठेले में। तुमको आना पड़ेगा मंजू। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, आऊंगी। नुक्कड़ पर ही दुकान लगेगी मंजू, खूब गरम गरम जलेबियां निकाल कर रखूंगा तुम्हारे लिए। अरे वाह, जलेबियों की लालच देने लगे राजा जी। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, आऊंगी मंजू। ओ बसंती आ, ओह रानी अभी तक तैयार नहीं हुई और नीचे सब आ गई है। कौन कौन आया है? गोपी आई है, शीला आई है, चंपा आई है। मगर माता जी। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर लूंगी। चल कहा चली मंजू? ओ मंजू जब देखो कंघी चोटी, जब देखो तेलेल, जवानी मुझ पर भी आई थी मगर ऐसी दीवानी नहीं हुई थी। चाची चुप, चाची की बच्ची। माँ मैं वो ये माँ माँ मैं करने से काम नहीं चलेगा। सौतेली हूँ तो क्या हुआ, अखर हूँ तो तेरी माँ। बता कहाँ चली है बंठन पे? अरे क्यों बेकार को लहू सुखा डाला है बच्ची का? सौतन की औलाद सही मगर है तो औलाद। तुम सौत की आंखों से देखती हो, माँ की आंख से नहीं देखती इसे। हाय हाय तुम्ही ने तो बर्बाद किया है इसे लाड प्यार में। मैं कहती हूँ जरा इसके बनाव सिंघार तो देखो अपनी लाडली के। अरे तुम भी तो इन पिचके हुए गालों में अब तक कड़वा तेल सुखाया करती हो, बुढ़ापा काबू में नहीं और बचपने को रोकने चली है पागल कहीं की बेवकूफ। बाबा बाबा मैं जरा मिलनपुर का मेला देखने जा रही हूँ, बसंती भी जा रही है बाबा। तुम सब जाओ, दो से दो आने कुछ लेकर खाएगी। मेरे पास क्या खजाना रख छोड़ा है तुमने? ले तो चारा ने ले, अब देखा मेला। ला बाबू ला, चल बसंती। अबे हाथ चला फुर्ती फुर्ती। बाबू बाबू मेले में बैलों की जोड़ी आई है, मैं जाऊं जरा? बैल तो नहीं गाय आई होगी, गाय। तो जाऊं बाबू? जा बाबा जा, अब रोकूंगा तो गाय भड़क जाएगी तेरी, जा। अबे जूता तो डालना पाँव में, कोई ठोकर लग गई तो बैठ कर रोता रहेगा।
जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या, दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिलके पानी, अंजाम ये के फानी, पानी में मिलके पानी, अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। यही बहारें उल्फत की यादगारें, होंगी यही बहारें उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी, बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। आ बसंती, अब चले। कहाँ चली रानी? दुकान से। अरे बड़ी मुश्किलों से बाबा पीछा छोड़ा के आया हूँ, आओ तुम्हें मेला दिखाऊं, है जिंदगी का मेला। हमारी जिंदगी के मेले से तुम्हें क्या वास्ता, तुम अपना मेला देखो, हम अपना मेला देखो। अलग जाने की कोशिश न करो मंजू, ये मेला है, खो जाओगी। यहाँ कितने हाथ एक दूसरे से मिलते हैं, कितने हाथ हाथों से छूट जाते हैं। चलो झूला झूले हैं। मगर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बापू ने 4 आने दिए थे। अरे आज मेरे पास 8 आने हैं, पगली सब के सब तुम पर लुटा दूंगा। तू नहीं जानती मंजू, तुझे देखते मैं कितना खुश हूँ। हाय राम। चल बसंती, मोहन के पास 8 आने हैं। अरे बसंती को क्यों तकलीफ देती हूँ, झूले का चक्कर बुरा होता है, कहीं हाथ वाथ छूट गया ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे चक्कर वक्कर नहीं आता, तो अब आ जाएगा। देख यहीं बैठ, वो बाबा है ना, वो अब धर्म कर्म का भजन सुनाएंगे। मैं भजन वजन नहीं सुनूंगी, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। चल बाबा चल, भगवान तुझे गलत करे। क्या कह रहे हो ये चुपके चुपके? अरे तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, चल चल। बचाना मंजू, मेरे बापू आ रहे। कौन? मोहन, मेरी बेटी बसंती को देखा है उधर? अरे वो तो, अरे क्या बताऊँ, अरे ये तो यहाँ छुपी है। अरे चल घर चल। तू सूरज मैं उजियारा,
सूरज में उजियारा है अब जीवन भर का मेल है अब जीवन भर का मेल सुनो जी प्रीत नहीं है खेल सुनो जी प्रीत नहीं है खेल दिल से लाग खुले हैं भाग ये दुनिया हमको सताए ना मैं भंवरा तू है फूल दिन मत भूल जवानी लौट के आए ना दामन थाम चलेंगे पीत का दामन थाम हमें दुनिया से नहीं है काम बेदर्द है ये संसार चलें पुकार जहां दुख भूल के जाए ना मैं भंवरा तू है फूल दिन मत भूल जवानी लौट के आए ना बापू आ रहे हैं मैं जाती हूँ फिर कब मिलोगी कल वही मधुरवन में कौन मोहन अरे चाचा मंजू को तो नहीं देखा था मेले में मंजू को ना मैंने नहीं देखा अभी अभी तेरी गाड़ी से कौन उतरा था कौन वो अरे वो तो कोई गिदड़ होगा चाचा आजकल कमबख्त रास्ता रोक के गजल सुनाने लगते हैं चाचा पैर बताइए चाचा पैर मेरे पास आठ आने हैं सब के सब लुटा दूंगा तुम्हारे ऊपर तुम नहीं जानती मंजू मैं जब तुम्हें खुश देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है हाँ? चल बसंती मोहन के पास आठ आने हैं अच्छा तो कल रात मोहन के साथ गई थी सुनते हो तुम्हारी राजकन्या कहाँ गई थी कल रात को मेले में हाँ मेले में मुझसे पूछ कर गई थी वो काहे पीते रहो मर कर मेले में नहीं मोहन के साथ गई थी आदमी रीछ और भेड़िए के साथ रह सकता लेकिन सोतेली माँ के साथ नहीं रह सकता अरे मैं कहता हूँ उस बच्ची का नहीं तो कुछ अपने नाम का ही ख्याल रखो माँ बनकर आई हो इस घर में माँ समझी भलाई करो तो बुराई सामने आती है ए जी मैं कहती हूँ मोहन ने जादू कर दिया है लड़की पर अब तो नींद में भी उसी के सपने देखती है क्या कहती हो तुम भी अजीब हो आओ मेरे साथ आंखों से दिखाती हूँ उसके करतूत चलो चलो तुम मार डालना चाहती हो मुझे
ताकि रास्ता साफ हो जाए तुम्हारा। क्या कहा बसंती? मेरी माँ मुझे मार डालना चाहती है? खबरदार मेरी माँ की बुराई न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनके चरण धो धो कर पीऊंगी। बिल्ली 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 बिल्ली, क्या हुआ बेटा? मैं एक सपना देख रही थी पिताजी। हलवा हाँ भैया, कोर्ट मार्शल। कोर्ट? कोर्ट गाड़ी में नहीं है भैया। अरे हम बोलता है कोर्ट मार्शल। कोर्ट तो पहने हो भैया। जंगली वाला कहीं का, तुम हमारा सारा सूट खराब कर दिया है। हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा, चलो। अरे छोड़, क्या छोड़? क्या मोहन, मोहन। कोर्ट मार्शल काका, कोर्ट मार्शल। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। इसको लेकर जाएंगे। अरे तो, अरे हम आई यस नो मिलिट्री जवान। छोड़ दे कार। नहीं छोड़ेगा, हमारा सूट खराब किया इसने, हम नहीं छोड़ेगा। अबे सूट का चल रहा। अरे 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 अरे, कलवा कलवा कलवा, हेल्प हेल्प, इधर हेल्प, कलवा हेल्प, काका काका काका। अपुन तो बचे भाई। ओ भगवान, काका काका अरे मोहन पहचाना नहीं, ये तो महकू है। महकू तेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। महकू है ये? अरे अच्छा हुआ बापू तुमने इसे पहचान लिया, नहीं तो अभी इससे लड़ाई हो गई थी मेरी। लड़ाई? नो 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 नो, वार कहो वार। ये लेडी किसका मेम साहब है? अरे ये बसंती है, बसंती ठाकुर बजरंग बली की बिटिया, वो पहलवान अपना काला। ओह गॉड गॉड, इसका घगरा तो इंडिया का पैराशूट मालूम होता है। बहुत दिनों के बाद गांव में आया है, चल पानी पी कर घर जाए। नहीं काका, वाटर की अब कोई जरूरत नहीं है। देखो मेरे सिर के ऊपर सारी टैंकी इसने। चल चल भैया चलो, काका की मिठाई की दुकान भी है। ओ स्वीट मोट है, स्वीट मोट, चलो चलो। अच्छा ये तो बता, तू इतने दिनों तक रहा कहाँ? काका हम स्कूल से भागा तो भूख हड़ताल शुरू कर दिया, सड़क कूटा, ठेला चलाया, जब पेट नहीं भरा तो फौज में भर्ती हो गया। हम सोचा कि यहाँ भूखों मरने से वहाँ खा पी कर मरेगा तो अच्छा मरेगा। अच्छा सोचा तूने, मगर ये तो बता निकाला कैसे गया? हाँ काका हम निकाला नहीं गया, जब वार खत्म हो गया ना तो साहब लोग छटाई शुरू कर दिया। हम सोचा कि चलो गांव में जाकर पिकनिक करेंगे, हैं पिकनिक। अच्छा अच्छा काका अभी हम चलता है, फिर मिलेगा, हैं फिर मिलेगा। ए, ए चिड़ियो चिड़ियो चिड़ियो, नमस्ते काका। चिड़ियो, ये चिड़ियो चिड़ियो क्या बोल गया है मैकू? जरूर किसी जड़ी बूटी का नाम होगा बापू। हाय हाय कलवा। हाँ भैया, भगवान कसम बड़ी जहरी मालूम होती है। हाँ टॉरपीडो के माफिक एक ही बार में फौजी जवान का जहाज डबो दिया। मार सुट्टे कलवा, मार सुट्टे। काब हो भैया। अरे कलवा डियर कलवा। हाँ भैया, तो कुछ ऐसा कमाल दिखा कि ये बुश कोट इसी के आंगन में सूखे। भैया एका बाप पहलवान है, पहलवान। काली आंधी समझो। अरे ये तुहार कोट का वह हम सबको सुखा डाली। आप रे बचरा, जल्दी निकल चलो भैया, चलो चलो फिर निपट लूंगा। हाँ मगर अब तो निकल चलो। संभालो भैया, वो संभालो भैया, संभालो। ओफो मार सुटिया, तुम तो गिरे पड़ा। मार सुटिया, शांति से काम लो भैया, शांति से। अच्छा मैं जरा चौधरी के पास जाता हूँ। अच्छा बाबू,
ऐसा ना हो मैंने इधर मुंह फेरा और तू उधर अपनी गाय के फेर में चला। अरे ऐसा भी कभी हो सकता है भला बापू, तुम जब तक नहीं आओगे ना मैं यहीं बैठा हूं। अरे ओ मंजू, अरे कहां चली छम छम करती हुई, कहां जा रही थी, जरा मेरे सर में तेल तो डाल दे। मंजू, मंजू क्या तूने मेरे सर में मिट्टी का तेल डाल दिया, माचिस भी लगा दे माचिस। हाँ माँ इसे सूखने दो माँ, आपकी चमेली का तेल डाल दूंगी। अरे जा कहाँ रही है, दही तो बिलो दे अपने बाप के लिए। धरती को आकाश पुकारे आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा इतनी देर कहां रह गई थी मंजू? क्या कहूं मोहन, माता जी का मन पत्थर का बना है, जब मिलने की घड़ी आती है वो दीवार बनकर सामने आ जाती है। दीवार आंगन का पानी रोक सकती है मंजू, सागर का तूफान नहीं रोक सकती। ये किस किताब का सबक सुनाने लगे महाराज? एक किताब। क्या नाम है इसका? दिल। ये किताब तो बड़ी भयानक होती है, सुना है पढ़ने वाला फौरन खाक उड़ाने लगता है। जिसको किसी की मधुरी आंखों का सहारा हो वो सर तो धुन लेता है खाक नहीं उड़ाता। किसकी मधुरी आंखों का सहारा है तुम्हें? नहीं बताता। रोग लगा सकते हो, हाल नहीं बता सकते। कैसा रोग? नहीं बताती। हमारी फसल वो देखो, बहुत दूर एक पंछी उड़ा जा रहा है, जानते हो कहां जा रहा है? कौन जाने। ठीक इसी तरह तुमने भी पर लगा दी है मुझे, जी चाहता है उड़ती जाऊं दूर, बहुत दूर, इतनी दूर कि किसी की निगाह भी न पहुंच सके वहां तक। जमीन में भी बुलंदियां होती है मंजू, घर बार की इज्जत, माँ बाप का नाम, गांव ग्राम की पढ़ाई, जो लोग इन बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं उन्हें चांद और सितारे भी नहीं छूते। फिर वही दौरा पड़ गया। मैं कहती हूँ किसी हकीम या डॉक्टर को दिखाओ। हकीम या डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकते मंजू, सिर्फ तुम कर सकती हो। अच्छा तू घर आना, लसन और सौंठ पीस कर पिला दूंगी, सारी बदहजमी यूं दूर हो जाएगी। एक बार मेरे कलेजे पर देखो मोहन, धूप कहां से कहां चली गई, अब मैं जाती हूँ। फिर कब दर्शन दोगी? कल दशहरे का त्योहार है, तुम भी आ जाना, मैं भी आऊंगी। कलवा कलवा अठर अठर अठर
वो नामालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ में अंजर पंजर ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली देहाती हाथ जरा करारा पड़ा था भैया, और फिर तुम तो फौज में होकर आए हो। अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है। इसका बसंती के साथ जरूर कुछ है। ना 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 ना, बसंती के साथ नहीं भैया, मोहन और मंजू। ओ ये बसंती है ना, बसंती ये मंजू की बड़ी मुचड़ी सहेली है। और देखो गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली। अरे चब बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दोला, के दुसहरे के उत्सव में चलेंगे रे। ना ना चल, मैं नहीं लाऊं पानी आनी। क्यों? अरे सारा काम थानेदारों की तरह बेगार में करा रहे हो। पानी भार मालिश कर, ये ला वो कर, और परियां दिखावत नहीं जौन मेरी ले लाया। ओहो तेरे लिए तो मैं बहुत कुछ लाया हूँ, सब सामान मालगाड़ी में आ रहा है। क्या समझा? आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, तू नहाने का बंदोबस्त कर। चल अच्छा तैयार हो। अच्छा अच्छा अच्छा, अबे कर रहा? हाँ भैया। क्या कर रहा रे? जरा साबुन का मुंह धोवा तुम भैया, परियां देखो ना परियां। कल जग्गू की माँ कहा था रे भैया, तेरे कपड़ों से पुराने बकरे की बुआ आवत है। अरे कल भैया, अरे पानी डाल, पानी डाल, पानी जल्दी डाल, जल्दी डाल। ले भैया ले भैया, नहा भी लियो और कपड़े भी बदल लियो। अब वो अपने वाली परियां तो दिखा दियो। अरे हाँ हाँ दिखाता हूँ। अरे कलवा, हाँ भैया ये तो बता, वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया? धुत, अरे वही बसंती। अच्छा ओ तुम्हार मार छुट्टिया। अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे हम। मगर भैया दिन भर से खटा रहे हो, हमारे वाली परियों तो दिखा दो। अच्छा दिखाता हूँ, दिल थाम ले, दिल थाम के रहियो। थाम लिया, बड़ी जहरी परियां निकाल रहा हूँ। दिल थाम के रहियो, दिल थाम के, चल संभल के बैठ। अच्छा, संभल के बैठ, संभल के, संभल के, संभल के। हा 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 हा, ये लाल परी और ये सबज परी। मगर इनके पर कहाँ है भैया? अरे ये बिना पर के इतना उड़ती हैं कि पर वाली भी इतना नहीं उड़ती। मगर कुछ अपनी भी दाल वाल गल सकत है कि नहीं? आज तो अपना मुंह भी धुला हुआ है भैया। अरे इन्हें बस में करने के लिए अंग्रेजी में मंत्र पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में? अंग्रेजी का भैया? तू नहीं समझेगा, मैं सब जानता हूँ। बस जहाँ कहा आई लव यू परी, बस समझ ले वही दाल गली। और जो कोई भर पेट प्यार जिताना चाहे तो? बिल्कुल आसान है, वो कह दे आई लव यू 100 matches। का मतलब? इसका मतलब ये है कि 100 matches के अंदर जितनी तीलियां होती हैं, मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करता हूँ, मर मिटा हूँ, कुर्बान हो गया हूँ तुम्हारी चाल ढाल पे। अरे मार सुट्टिया, अरे आग लगाओ मार सुट्टिया को। भैया खैर मनाओ के बाल बाल बच गए, गुस्से की बहुत खराब है बसंती। जंगली वाला, यूरोप में ऐसा वक्त आए तो एक बात कह के आदमी छूट जाता है। वो कौन सी बात भैया? सारी, सारी का तो बेड़ा पार है। सारी? हाँ। और धोती कब का हाथ है भैया? वो उससे भी बिकट समय आए तो अरे उत्सव खत्म हो जाएगा। हाँ? जा तू मुंह तो धो डाल, चल चल। हाँ हाँ मनहूस कहीं का। Thank you.
भैया ये ऊंचा कुचक के तरह देखा तो नाच तो खत्म हो गया। अरे कलवा जब अपनी माँ सुचा को देखता हूँ तो ऐसा जान पड़ता है जैसे मेरी छाती पे इंजन शंटिंग कर रहा है। भैया वह देखो हर्नियों का गोल हेयर ही आवत है। बस अब के जरा हिम्मत करके पकड़ ही लियो। अरे और नहीं तो क्या, इतनी देर से पहरा दे रहा हूँ, सोचा अब मैडम जब इधर आएगी तभी कार आगे बढ़ाऊंगा। ये भी ठीक है। अरे मोहन मोहन की दांत। अरे अरे कलवा भैया, ओ डियर कलवा, साड़ी बोलते साड़ी, अरे भैया धोती बोलते जान तो बचेगी। अरे बस अरे सांस तो ले लो। ओ, क्या हो गया? गांव की लड़कियां गांव की इज्जत होती हैं, खबरदार अगर फिर कभी चढ़ा तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। चलो तुम लोग। सिस्टर मैकू। सिस्टर बस अब मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा, सोचा चलते चलते आशीर्वाद लेता चलूं, रास्ते में काम आएगी। आखिर बात क्या है, गांव क्यों छोड़ता है? बैठ बैठ। अच्छा गांव की डॉक्टर सबकी डॉक्टर होती है सिस्टर, मैं ये नाटक नहीं देख सकता। बात क्या है, साफ साफ क्यों नहीं कहता? साफ साफ कहूं तो मार खानी पड़ती है। मैं कहता हूं सिस्टर अपनी डॉक्टर को संभालो, मोहन पूरा 420 है। कल जग्गू धोबी की लड़की के साथ कुएं पे पोलो खेल रहा था और परसों दमड़ी लोहार है ना, दमड़ी लोहार उसकी बेटी के साथ चने के खेत में रोमांस कर रहा था और आज तुम्हारी बेबी के साथ मैं नहीं कह सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? ओहो यू आर डेंजरस, मेरा मतलब है यू आर इन डेंजर, डेंजर खतरा। तेरी अंग्रेजी मेरी समझ में तो नहीं आई मगर मतलब पा चुकी हूँ, मैं फौरन ही मंजू का इंतजाम करती हूँ। सिस्टर कुछ मेरा भी इंतजाम कर दो, बड़ी तकलीफ हो रही है। वसंती है ना, अरे वसंती भगवान कसम बड़ी जहरी है, घूम के भी नहीं देखती। अरे हाँ हाँ तेरा इंतजाम भी कर दूंगी, पर तू गांव छोड़कर क्यों जाता है? अब अगर तुझसे कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लूंगा। वेरी गुड मम्मी। सिस्टर अरे तुम्हें तो फौज में कर्नल होना चाहिए था, बस अब अपनी बेबी को उसके पास मत जाने देना। मैं चलता हूँ। अरे बैठ। नहीं अरे बैठ ना। नहीं अब तो मैं जाऊंगा, मैं चलता हूँ। अरे बैठ तो सही, कहाँ चला? नहीं नहीं सिस्टर अब जाऊंगा, चिड़िया चिड़िया। हाँ जा जा जा। चिड़िया चिड़िया। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे झूठे बंधन तोड़ के सारे, जाना ही होगा। ये मुंह आज आपने क्यों बुला रखा है? हमारी मर्जी। देखो जी तुम्हारी मर्जी की रेलगाड़ी अब हमारी आज्ञा बगैर नहीं चल सकती, समझी ना, झटपट मान जाओ नहीं तो। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कल की हथकड़ी आज ही पहनना पड़ेगी तुम्हें। हथकड़ी? कैसी हथकड़ी? नहीं बताते वजह? वो तुम्हारी मर्जी थी और ये हमारी मर्जी है। मत बता, मैं भी एक बात कहने आई थी, सुनोगे तो लड्डू की तरह फूल जाओगे। क्या बात है मंजू? पहले तुम बताओ कि हथकड़ी कौन पहनाएगा मुझे? मैं पहनाऊंगा। तुम? देखो आज सोम है, सोम मंगल बुध और बृहस्पति शुक्र शनि, 6 दिनों के बाद गांव की पंचायत में बैठकर मैं तुम्हें फूलों की हथकड़ी पहनाऊंगा। मैं
मैं भी यही कहने आई थी। गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं शहर जा रहा हूँ जेवर लाने। क्या क्या लाओगे भला? जो कहो। ऐसा जेवर लाना हाँ। जो अंग से कभी ना उतरे। ऐसा जेवर तो प्रेम है। वो तो पहन चुकी, मगर मोहन हाँ? जब हमारे जीवन मंदिर के द्वार खुल गए हैं तो बाल आश्रम के दरवाजे क्यों बंद रहे? इन्हें भी खोल दो। हाँ, हैं? आज से इन श्रीमती को मैं संभालता हूं और इन महाशय को तुम संभालना। समझना इन मूर्तियों के रूप में हमारे जीवन एक दूसरे के पास है। मोहन हाँ? आज मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम हार्ट नहीं परदेश जा रहे हो। वो क्यों? अपना देश देश है हाँ? और बाकी सब परदेश। अच्छा, लौटने में देर हो जाएगी मंजू, अब मैं जाता हूँ। अच्छा, छोटी खा लियो भैया। अबे सौंठ खाने से कुछ नहीं होगा है? कलवा हाँ। पसीने छूट रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। काबू हुआ भैया? अरे मेरे हार्ट के भीतर हाँ। बसंती का लौ घुस गया है, मैं अब उसके बिना अच्छा हो ही नहीं सकता। खाली पीली बसंती बसंती रटे जात हो, माल पानी मिक्सत नहीं,
अरे आज कुछ अंटी से निकालो, दोनों भाई मिठाई ले चली, भगवान कसम तुरंत काम हो जाएगी। अबे मिठाई तो ले चलूं, मगर उसका बाप है ना वो काला पहलवान। हाँ हाँ वही सैंडो, ओह बड़ा राक्षस है, घूम के देखता है तो मालूम होता है जर्मन की तोप का मुंह घूम गया हमारी तरफ। ना ना मगर वो काला पहलवान आज घर में नहीं भैया, तो हर मार सुतिया है ना आज बिल्कुल अकेली है। नहीं 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 भगवान कसम एकदम अकेली है कलवा, बिल्कुल डियर कलवा, अकेली एकदम अकेली बिल्कुल। हाँ भगवान कसम बड़ी जहरी है कलवा, चले ही चलो, चलो भैया अब चले ही चलो। अरे आह होम स्वीट होम कलवा, मार सुतिया को जगाओ, अरे जगाओ। कौन है भाई? पूछो क्या बात है, चलो आते हैं। अरे कहाँ फंसा दिया मुझे, आते हैं पहलवान, चलो पहलवान पहलवान बुला रहे हैं। अबे कौन हो तुम? पहलवान बच्चे हैं तुम्हारे, संभालो भैया। अंदर कैसे गुस्सा है? और मैं बात यूं है पहलवान कि वो अरे अरे हम शागिर्द बनने आए हैं, मिठाई का दोना भी लाए हैं। वाह क्या हाथ पांव पाए हैं पहलवान ने, क्यों भैया। अरे चचा के हाथ पांव की कौन बराबरी कर सकता है, शीशा पिला रखा है शीशा। बच्चे हैं पहलवान तुम्हारे, बांध लो लंगोट आए पहलवान, आज गंडा बांध लो लंगोट कल बांध लूंगा, कुछ पेट में गड़बड़ है जरा सी। उठा लो बेटा, छूट के पसीना निकलेगा, सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी। भैया तुम्हारा जिगर आज कल बहुत गर्म मालूम होता है, सारा खाया पिया नहीं जोड़ लिया पहलवान ने। अरे माय गॉड माय गॉड, अब घर पे पहुंचा दे। अब यही तुम्हारा घर है, यही रहना है तुम्हें। अच्छा तो सेठ जी, गांव की लड़कियां कौन कौन से जेवर पसंद करती हैं? यही कंगन, पोंछी, झुमके और सबसे ज्यादा मांग का टीका। अच्छा तो दे दो सबके सब। पर सेठ जी, गहने बस ऐसे देना के पसंद आ जाए, अगर ना पसंद हो तो वापस कर जाना। Thank you.
कुछ नाम पता मालूम हुआ? ना। चाचा। आ बेटा। क्या हुआ चाचा? कुछ पता चला मोहन का? नहीं, भगवान जाने कहाँ चला गया। अरे चला कहाँ जाएगा सिस्टर, मैं ना कहता था पूरा 420 420। मैं जानता हूँ उसने औरत रख छोड़ी है शहर में, उड़ा के ले गई होगी कहीं। औरत? औरत को आजकल औरत मत समझो सिस्टर, पैराशूट की माफिक उड़ा ले जाती है आदमी को। अच्छा हुआ लगन ना हुआ, मोहन कहता था सबसे पहले बुढ़िया को जहर दे दूंगा। अरे वाह, क्या कहा, मुझे जहर देगा? ये गर्मी का टाइम नहीं है सिस्टर, हमें बेबी की लाइफ, बेबी की जिंदगी देखना है। लड़का मेरी मुट्ठी में है। लड़का वार में मेरे साथ ठेकेदार था, बड़ा पैसा है उसके पास, बड़ा पैसा। पर भैया शादी तो मोहन के साथ होने वाली थी, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, पंच क्या कहेंगे? तुम पंचायत बुलाओ तो सही, मैं सब सवाल जवाब करके रास्ता साफ कर दूंगा, एकदम क्लीन सीधा साफ। मंजू की माँ। अच्छा सिस्टर मैं चलूंगा, चिड़ियो चिड़ियो। देखो तो कैसा बुरा धब्बा लग गया है। इसे क्या देखते हो, उस धब्बे का ख्याल करो जो पेशानी पर लगने वाला है। कहा करते थे ऐसा लड़का ढूंढे से नहीं मिलेगा, देखा वो पापी किसी औरत के साथ भाग गया। क्या कहा? क्या कहूंगी, मंजू मंजू क्यों रो रो कर जान दे रही है पगली? ये सब क्या हो रहा है बसंती, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है इसमें महकू की शरारत है, उसी ने ही तेरा जीवन बर्बाद किया है। बसंती अब तो शायद मोहन के आखिरी दीदार भी ना कर सकूंगी, अगर वो कभी यहाँ आए तो मेरा प्रणाम कह देना। आंसुओं को रोक पगली, नहीं तो दिल का रहा सहा भरम भी चला जाएगा। ये आंसू नहीं, गुजरी हुई खुशी का जुर्माना है, खुशी का जुर्माना आंसुओं से ही अदा किया जाता है। मंजू चुप हो जाओ, मंजू मुझे रोने दे बसंती, इस देश में लड़कियां यही मोती चुनने के लिए जवान होती हैं। चुप हो जाओ मंजू। मैंने भूल कर भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा लड़का मेरी छाती में छुरा घोंप देगा। नहीं नहीं, मेरा मोहन ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, मुझे थोड़ी मोहलत और दो। मोहलत? मोहलत का समय कहां से लाऊं चौधरी, अब तो पंचायत ही फैसला करेगी हमारा। घर की बात पंचायत में डालोगे, लाज ना आएगी तुम्हें मास्टर? अपनी आबरू और लड़की का जीवन बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा चौधरी, मैं बाप हूं और एक लड़की का बाप। बाप ही बने रहोगे, बचपन की दोस्ती का ख्याल ना करोगे मास्टर? लाचार हूं चौधरी, आज मुझे बाप की मजबूरियों ने घेर लिया है, लड़की का जीवन बचाने के लिए पंचायत बुलाना ही पड़ेगी। जा रहे हो मास्टर? सुनो पंचो सुनो, हमारे मास्टर साहब के मुकदमे का फैसला हमारे वो किधर गए, हाँ ये अपने महकू भैया करेंगे। उठो भैया उठो, और दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर दो। उठो भैया। अरे उठो यार, ये हमारी इज्जत का सवाल है भैया, उठो। संभालो भैया संभालो भैया संभालो भैया। चोट तो नहीं लगी? लेडीज एंड लेडास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम ढोल बजाता रहा मगर किसी ने नहीं सुना। बी एम टी आर वाई, अरे चौधरी का बेटा मोहन, एल पी आर क्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू, उसने मंजू की जिंदगी बर्बाद कर दी। और एफ आर वाई एन टी डब्ल्यू, आउट आउट, दूसरी औरत के साथ भाग गया
और अब वो इस गांव में HONORIFACABILITUBU। भैया भैया ये का मतलब तो समझा दो। हाँ हाँ, इसका मतलब ये कि अब वो गांव में कभी नहीं आएगा। यूपी सीपी BBNCI GIP BMT BMW। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस जालिम के साथ, इस दुष्ट के साथ हमें क्या बर्ताव करना चाहिए। मतलब ये मगर ये भैया अंग्रेजी में मायने मतलब तो ऐसा समझावत है, ऐसा समझावत है जैसे मातारी लड़कन को दूध पिला। सालाम सालाम। चुप रहो बाबा चुप रहो, माउथ बंद। सुनते नहीं हो भैया अंग्रेजी में, चुप करावत है। मैं फिर कहता हूँ कि मोहन का वेट करने से मंजू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मतलब ये अरे वाह LAXYMIMAHROD। हमें जल्दी से कोई दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए, नहीं तो XYZ सारी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, लड़की के लिए दूसरा बार ढूंढना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, मगर इतनी जल्दी क्या हो सकता है। मुहूर्त निकल चुकी है, न्योता फिर चुका है। अजी मास्टर जी, मुहूर्त भी वही रहेगा, न्योता भी वही रहेगा, ओनली लड़का बदल जाएगा। क्यों वे कलवा? हाँ मास्टर जी, भैया बिलाइत तक हो आए हैं, जो बात कहेंगे चौकी कहेंगे। तो फिर आप लोग ही कुछ उपाय कीजिए, मेरी तो समझ चौपट हो चुकी है। अजी सीधी सी बात है, चार जाने के, चार आने के और 21 लड़की के हाथ में। क्यों भाई कितने हुए? 29। ओ तेरे की, 29 का आंकड़ा सदा मानुस होता है। देखो जी 30 निकालो और समझ लो कि तुम्हारा फैसला हो गया। हो गया चलो चलो। काहे का फैसला कर लिया आप लोगों ने? आप लोगों का फैसला मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा, मेरे लाल की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर मोहन का ख्याल नहीं करते तो उसके बाप के आंसुओं का ख्याल करो। मैं तुमसे अपने बच्चे की भीख मांगने आया हूँ, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो। गरीबों पर जो होती है जफाए, जमाने में दुखे दिल की सदाएं कौन सुनता है। गम का फसाना किसको सुनाए, गम का फसाना किसको सुनाए। ए टूटा हुआ दिल कैसे दिखाए, टूटा हुआ दिल कैसे दिखाए। गम का फसाना तेरा भला हो तड़पाने वाले, तेरा भला हो, तेरा भला हो तड़पाने वाले हो। दिल दे रहा है तुझको दुआएं, दिल दे रहा है तुझको दुआएं। गम का फसाना हंसती है किस्मत कहती है दुनिया, हंसती है किस्मत, हंसती है किस्मत कहती है दुनिया। ओ आपस में दो दिल मिलने न पाए, आपस में दो दिल मिलने न पाए। गम का फसाना किसको सुनाए, गम का फसाना। तुझको कसम
कसम है ऐसे में आ जा, तुझको कसम है, तुझको कसम है ऐसे में आ जा। ओ, फिर ये जमाने शायद ना आए, फिर ये जमाने शायद ना आए, गम का फसाना किसको सुनाए। टूटा हुआ दिल कैसे दिखाए, बम का फसाना। रुक जा बे ठेकेदार साहब। अजी जनाब, ठेकेदार साहब अजी घर में हैं। अरे मैकू, कैसे भूल पड़ा आज तू? अच्छा हुआ आ गया बेटवा, आओ आओ आ। चलो हाँ, लो काकी जरा हार तो पहन ले। सिस्टर, एक खुशखबरी देने आया हूँ। कैसी खुशखबरी? आ बेटा अंदर चल। चलो आओ। कैसी खुशखबरी लाए हो बेटा? सिस्टर, मैं कहता हूँ सिस्टर, अब ये चूल्हा चक्की का काम छोड़ो और रानी बनकर बैठ जाओ इस कुर्सी पर। मैंने ठेकेदार साहब के लिए लड़की देख ली है। मैं तो नजले की गोलियां खा खा कर मरी जा रही हूँ, तू ही कोई बंदोबस्त कर दे भैया के लिए। अच्छा तो सुनो, चार जाने के और चार आने के और 21 लड़की के हाथ में। क्यों भाई, कितने हुए? 29 का आंकड़ा सदा मनहूस होता है। 30 निकालो सिस्टर और बस समझ लो कि बात पक्की। बिल्कुल, मगर देखना मैकू, लड़की जरा हाथ पैरों की ठीक हो भैया। लो, समझना बहु नहीं सड़क धोने का बम्बा या आटा पीसने की मशीन ले आई हूँ घर में। हाँ तो ठहर बाबा, ठहर, मैं लाती हूँ रुपया। अच्छा, हाँ? अच्छा अच्छा आए, रख दे बे, रख दे भैया। अरे भैया के बच्चे, रख दे, चोरी करना बहुत बुरी बात है, रख। अरे यार, कुछ हमाऊ का भी उठाए दो, सब तुम्हें रखे ले थो अंटी में। अबे ये तुझसे नहीं पचेगा, स्टैंड सीधा ले। मैकू गिन ले। अरे रुक रुक, लाओ। अच्छा चलो, हाँ नमस्ते। बुढ़ा हो गया है मगर अभी तक अकल नहीं आई, जहां जाता है कोई ना कोई चीज उठा के जेब में धर लेता है। लो संभालो का। सिस्टर, सिस्टर, अरे तुम यहां हो? मिल गया सिस्टर, मिल गया, ऐसा लड़का ढूंढ निकाला है कि उम्र भर याद करोगी। 30 तुमसे ले गया था, 8 पल्ले के भी चढ़ा आया हूं। अब अगर फुर्सत मिल जाए तो बसंती है ना, बसंती से बस अब मेरा भी गठबंधन करा ही डालो। अरे हाँ हाँ, तेरा ही घर बसाना है। हाँ, बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ। अच्छा अब चलूंगा, चिड़ियो चिड़ियो टाटा टाटा टाटा। ए जी ओ जी, जरा सुनो तो, भगवान कसम बड़ी जहरी हो। अरे कभी तो पूछा होता, मैकू डियर ठंडी सांस क्यों भरते हो? आज बापू ना जाने कहाँ चले गए हैं, मैं अकेली हूँ घर में। हला तो हुक्म करो, मैं साथ चला चलूं, बैठ कर टॉक करेंगे, टॉक है, मीठी मीठी बातें। हाय मां ढला गरीब को। आहा, होम स्वीट होम। ओ हाँ, रेस्ट करने के लिए कोई चारपाई वारपाई नहीं है क्या? रेस्ट आराम। ओ गॉड सेव द किंग, आज पहलवान फिर गर्म मालूम होता है। हाँ मेरा बाप बड़ा जालिम है, आज तुम्हें यहाँ देख लेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ, जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ। बड़ा जालिम है। हाँ। ओ बाप रे, तो मैं क्या करूँ? अरे यहाँ तो कहाँ मर रहे हो? अरे तो कहाँ मरूँ? मेरे साथ आओ, आलूओं की एक बोरी खाली, उसमें छुप जाओ। ना, 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 बोरी? हाँ आओ। ओ, 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 ओ। बसंती दरवाजा खोल। अरे बोरी कहाँ, बोरी कहाँ? अरे हाँ, छुप रहा हूँ, छुप रहा हूँ, जल्दी छुप रहा हूँ। वाह वाह, होम स्वीट होम। आई पिताजी आई।
खलीफा सब माल हाथ पे पहुंचाओ। चलो भाई दो आदमी जल्दी आराम से चलो उसको चलो। चलो प्लीज प्लीज पहलवान। क्यों बे? और क्यों गुस्सा? हेल्प हेल्प, अब नहीं आऊंगा बच्चे, अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा पहलवान। रात मरीज की कैसी हालत रही नर्स? आज इसके मुंह से बाफू निकला है। अब उम्मीद है बच जाएगा। यस डॉक्टर। बसंती ये सब क्या हो रहा है? अब तो आखिरी दीदार भी न कर सकूंगी। मत रो मंचू, रोने से दिल का रहा साहब भरम भी चला जाएगा। डॉक्टर साहब आज क्या दिन है? डॉक्टर साहब शनिवार। शनिवार तो मुझे यहां से जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे यहां से जाना चाहिए। कहां जाना चाहते हो? अभी तुम्हारे सीने में चोट का काफी असर मौजूद है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ थोड़े दिनों और रहना होगा। अब मैं यहाँ एक पल भी और नहीं ठहर सकता डॉक्टर साहब, मुझे गांव जल्दी ही जाना चाहिए। वहाँ कोई मेरा इंतजार करता होगा डॉक्टर साहब। आज मेरी शादी का दिन है डॉक्टर साहब। हाँ सच, आज मेरी शादी का दिन है। Thank you.
गया बसंती, ये क्या हो गया? इसमत के लिखे को कौन मिटा सकता है मच्चू, कौन मिटा सकता है? अरे भाई जल्दी जल्दी उठाओ, हो मुहूर्त निकल जा रही है। मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है, गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, तुझ बिन सुनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए जागीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। लुक न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम, हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम, बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए जगीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। डोले नैना पीतम के द्वारे, मिलने की है धुन, बालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। गाए जागीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुवारे, आना ही होगा। बसंती तुम, मंजू कहाँ है? अब मंजू से क्या काम तुम्हें, वही जाओ जहां छुपे बैठे थे। कहां रखा है उस लाल परी को? कौन लाल परी? कौन सी परी बसंती? वही चुड़ैल जिसने पल्लू से बांध लिया था तुम्हें। अरे पगली, आसमान पर चांद भी निकलता है, सूरज भी, मगर पतंगा अपना दीप छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखता। मैं तो शहर में गाड़ी के नीचे आ गया था, 5 दिन तक अस्पताल में जख्मी पड़ा रहा, और आज इजाजत मिली है तो भागा हुआ चला है। अब तो इस गांव में बड़ा अंधेर हुआ है, तुम्हारा संसार लूट लिया है गांव वालों ने। क्या हुआ बसंती? बसंती क्या हुआ? मंजू तो अच्छी है,
मंजू तो अच्छी है। अब उसके अच्छे बुरे से तुम्हें क्या सरोकार, वो पराई हो गई, आज ही तो रुखसती हुई है उसकी। ये क्या हो गया बसंती, ये क्या हो गया? बचपन के खेल, जवानी की वादे सब सपने हो गए। मंजू चली गई, उसका घर भी चला गया, ये क्यों रह गया है? ये क्यों रह गया है? इसे भी बर्बाद होना चाहिए। इसे तोड़ कर क्या पा लिया तुमने? गर्दन महकू की जाकर तोड़ो, जिसने आग लगाई है तुम्हारे घर में। महकू ने आग लगाई है, महकू ने आग लगाई है। शानदार लड्डू बोल बोल बोल, तो आने का बादशाह बात कर रहे, तो मेरी कभी बादशाह भी बाहर आया, रानी बाहर आई दे रानी। भैया मोहन राजा, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। अमर कहाँ चले गए थे? उठते बैठते तुम्हें याद करता था यार। मैं कर रहा। हाँ भैया हाँ, जब से मोहन बादशाह चला गया था ना, तो गांव में बत्ती नहीं जलती थी, अब जरा आंखें तो खुल गई थी। भैया हाँ, हमने डोला रोकने की बहुत कोशिश की, अरे बहुत कोशिश की, पर वो मास्टर है ना, वो रुपए के लोभ में पड़ गया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वाह वाह भैया, जो तूने कहा था वही किया, अब तेरे मरने का वक्त आ गया है मैकू। भैया अरे छुरा, अरे हाथ भर का छुरा, ए रुक जाओ रुक जाओ, ये देखो ये छुरे चाकू का खेल अच्छा नहीं होता। हाँ भैया भैया प्लीज प्लीज भैया प्लीज, तूने मेरे चरणों की पनाह ली है इस गांव। वाले पर कोई हाथ नहीं उठाता मोहन भैया, अरे जाओ बाबा घर जाओ, इधर काहे को रास्ता भूल आए, अरे जाओ जाओ जाओ, अपना मन बेकार में मैला मत करो, जाओ 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 जाओ। बैकू भैया, मोहन बादशाह गए? हाँ हाँ गए, निकल। चींटी का बच्चा फौजी शेर से लड़ने आया था। वाह मोहन, तू आ गया। बापू बापू, बापू ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया बापू? बेटा मैंने बहुत कोशिश की, मगर डोला ना रोक सका। तू रो रहा है पगले, रोने से क्या होता है? हंस, आज मैं भी हंसूंगा तेरे साथ, ऐसी हंसी जो बाप और बेटा दोनों के घावों को भर दे। ऐसी हंसी दुनिया में कहां है बाबू, कहां है? बेटा हिम्मत से काम लेना चाहिए आदमी को, नहीं तो दुख कहेगा मुझसे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं है। एक बार हंस दे, अपने बाप की खातिर हंस दे, हंस दे। हंस रहा हूं बापू, हंस रहा हूं बापू, तुम्हारी खातिर हंस रहा हूं बापू। सारा रोग चला गया मेरा, यूं ही हंसते रहना मेरे बच्चे, यूं ही हंसते रहना मेरे लाल। बापू बापू, अरे तू क्यों घबरा जाता है पगले, ठीक तो हूं,
वो गाना तो सुना, तू गाया करता था ना, आना ही होगा जाना ही होगा। गाना सुनोगे बाबू? गाना सुनोगे? धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, झूठे बंधन तोड़ के सारे, जाना ही होगा। क्या देख रहा हूँ? एक पति अपनी स्त्री को देख रहा है। स्त्री? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा था कि एक मुंह बंद कली को बाघ से तोड़कर मेरे रास्ते में डाल दिया जाए। नहीं, ये लगन नहीं, अत्याचार है। मगर ये अत्याचार नया नहीं, बहुत पुराना है। मुझे मैकू और मेरी बहन ने धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। अब इस धोखे का कोई उतार नहीं। धर्म ने और समाज ने जिस डोर से हम दोनों को बांध दिया है, वो जीवन और मरण की डोर है। अब इस डोर को न महकू तोड़ सकता है और न आपकी बहन तोड़ सकती है। देवी, मैं निर्दोष हूँ। ये लगन मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए किया है। उन चार बेसहारा बच्चों के लिए जिनसे संसार ने बाल्यावस्था ही में ममता का सुख छीन लिया है। पिताजी प्रणाम। देखो। माताजी प्रणाम। माताजी नमस्ते। माताजी नमस्ते। माताजी नमस्ते। यही मैले कुचैले और घिनौने बच्चे, भारत माता की गोद के आबदार मोती, तालीम तरबियत और देखरेख के बिना हैवान हो रहे हैं। बढ़ो और एक माँ बनकर इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो। बढ़ो, ये बच्चे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, इनके सर पर मोहब्बत का हाथ रख दो, यही मेरी अंतिम कामना है। बढ़ो बढ़ो। माताजी, पिताजी को आज फिर दौरा पड़ गया। आंखें खोली, आंखें खोली। अब इन्हीं आंखों से तो मुझे दुनिया देखनी है। देवी, तुमने मेरे सर को अपने जानों पर रखकर देश के इन चार अनाथ बच्चों के जीवन को सहारा दिया है। सहारा न तोड़ना, ये देश की अमानत है। आज से इस अमानत को मैं तुम्हारे सिपुर्द करता हूँ। भगवान, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास माँ की उम्र नहीं, मगर माँ का दिल पैदा करना हो। कहाँ से लाऊं ऐसा दिल, कहाँ मिल सकता है वो दिल? मैं अपनी हर पूंजी लुटा कर उसे हासिल करूंगी। माँ का प्यार बाजार में नहीं बिकता देवी,
इस चीज की संसार में कोई कीमत नहीं। जो चीज कीमत देकर नहीं खरीदी जा सकती, कर्ज नहीं मिल सकती, भीख मांगकर भी हासिल नहीं हो सकती, तो आप ही बताइए मैं कहाँ से लाऊं वो चीज, कहाँ से लाऊं? इसका जवाब तो तुम्हारे माता पिता ही दे सकते हैं। मैं जवाब नहीं, वास्ता देता हूँ स्त्री के नाम का, वास्ता देता हूँ उस चीज का जिससे ज्यादा तुम्हें दुनिया में कोई प्यारा नहीं। इन बच्चों के सर पर रख दो हाथ, रख दो हाथ, बस यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। स्त्री बनकर आई हो तो स्त्री के धर्म को पालन करो, ये बच्चे तुम्हारे हवाले हैं। रख दो हाथ, रख दो हाथ, रख दो हाथ, तुम्हें मां बनकर जीवन बिताना है। माँ तुम कितनी अच्छी हो। माँ लो, जब भी मैं कहूँ ये बच्चे बिगड़ते क्यों जाते हैं, और मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। वाह, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, मोहब्बत से पेश आइए तो सब सर झुका देंगे। मोहब्बत की मासी, मैं कहती हूँ अभी से ये फैशन करेंगे तो आगे जाकर क्या होगा। तूने आदत खराब कर दी है इनकी, सब सब बिगड़ गए हैं। अगर तुम इसको बिगड़ना कहती हो तो मेरी दुआ है कि भगवान देश के सारे बच्चों को इसी तरह बिगाड़ दे। तू भी बिगड़ गया है, एकदम कौड़ी का तीन हो गया है। देवी, तुमने मुझ पर और मेरे बच्चों पर वो एहसान किया है कि आकाश में रहने वाली देवियां भी नहीं कर सकती हैं। मुझे शर्मिंदा न कीजिए, आप तो मेरी दुनिया है, धर्म और समाज की बख्शी हुई दुनिया। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लगन के लिए 800 रुपया कर्जा लिया था, ये रही उसकी चिट्ठी। चिट्ठी को देखकर मैं क्या करूंगा दादा, मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दो, तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। जरूर जाइए, जब दौरा पड़ता है आपको तो जी दहल जाता है मेरा। अरे तुम कहाँ जाओगे, मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, इन्हें भी ले जाइए, चुन्नू रात भर खांसता है और मुन्नू के पेट में दर्द रहता है, इन्हें भी दिखा दीजिएगा। सेठ जी, गहने वापस ले लीजिए। क्यों, पसंद ना आया तुम्हारी गोरी को? गहने तो अच्छे थे, मैं ही पसंद ना आया है? अब तक खिलौने से खेलते हो? खेल तो खत्म हो चुका सेठ जी, अब खिलौना ही बाकी।
अच्छा तो मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। नमस्ते। आइए आइए, अंदर तो आइए आइए। अच्छा अब मैं चलूंगा। तुमने एक स्त्री की मांग को जड़ने से बचा लिया है, बिना कुछ सेवा किए हुए नहीं जाने दूंगा। बैठो बैठो। देखिए अब मैं और नहीं ठहर सकूंगा, मुझे बहुत दूर जाना है। मगर सुनिए तो, आप आदमी के रूप में भगवान हैं, दूध का एक गिलास ही पी लीजिए, मेरा मान रह जाएगा। बैठिए बैठिए, मैं अभी आता हूं। देवी देवी आ गए आप? जी धक धक कर रहा था मेरा। आज तो भगवान आदमी के रूप में आ गए और मुझे बचा लिया, नहीं तो तुम्हारी मांग उजड़ चुकी थी, मुझे फिर दौरा पड़ गया था। आपकी जान बचाई है तो हमारे भी तो भगवान हैं। कहाँ हैं वो? दूध का एक गिलास लेकर आ जाओ नीचे, भगवान एक जगह नहीं ठहरा करते हैं। आप चलिए मैं अभी आती हूँ। इसे वापस ले जाओ, भगवान चले गए। अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? मुन्नू ये क्या है तेरे हाथ में? ये कहां से उठा लाए तुम लोग? मुसाफिर के पिटारे में थी माँ। कैसा था वो मुसाफिर? बहुत अच्छा आदमी था, उसने अपनी गाड़ी पर बिठा कर हमें यहाँ तक लाया। उसके बाल तो नहीं उलझे हुए थे चुन्नू? उलझे हुए थे माँ। ये वही थे जरूर। जा जा तुम लोग नीचे खेलो। जाओ मुन्नू, जाओ नीचे जाओ चुन्नू। मुन्नू राहत से निकली तब का लहू जिगर से शायद वो जा रहा है छुप कर मेरी नजर से, 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 शायद वो जा रहा है छुप कर मेरी नजर। मालूम क्या था दिल तुम भी होगा आएंगे और आकर फिर जाएंगे वो दर से, 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 आएंगे और आकर फिर जाएंगे जानते तो होंगे वो जानते तो होंगे मजबूरियां हमारी, हम जिनको देखते हैं हसरत भरी नजर से, हसरत भरी नजर से, हसरत भरी
से कोई गुजरे न वो इधर से 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 कहते ये उनसे कोई गुजरे न वो इधर से कहाँ चले गए थे? जेवर बेचने गया था। मंजो चली गई, मैं उन्हें रखकर क्या करता? तो उसकी याद भी निकाल दी दिल से तुमने? मैंने जेवर बेची हैं पगली, मंजो को तो नहीं बेचा। उसकी याद तो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी वो। देख, देख पगली। हुआ? मेरी दुनिया खो गई बसंती, मेरी दुनिया खो गई। मेरी पिटारी तो नहीं रह गई यहाँ, मेरी पिटारी। आओ, अंदर आओ। कैसी पिटारी? बैठो, बैठो, बैठो। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास। उस पिटारी में मेरी आखिरी पूंजी थी, उसके खो जाने से मेरा सब कुछ खो जाएगा। उस पिटारी की शक्ल में मेरी जिंदगी दूर हो गई है मुझसे। भगवान के लिए बताइए, वो यहाँ तो नहीं रह गई। बहुत परेशान दिखते हो तुम। ठहरो, मैं अंदर पूछ कर बताता हूँ। देवता ने तुम्हारा सुहाग बचाया था, उसकी कोई अनमोल चीज खो गई है, यहाँ तो नहीं रह गई। बच्ची ये पिटारी उठा लाए थे, पूछिए उनकी तो नहीं है? यही है ना? हाँ, यही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे वापस ला दी। अच्छी तरह देख लीजिए, आपकी सब चीजें बराबर तो है ना इसमें? हाँ। हुआ खिलौना खिलौने सब टूटने ही के लिए बनते हैं। मैं आपका और उस देवी का एहसान कभी नहीं भूलूंगा जिसने इसे संभाल कर रखा। उन्हें कहिएगा कि खिलौने से खेलने वाले एक पागल ने उन्हें प्रणाम कहा है। मोहन,
मोहन। मोहन मोहन मेरा दिल तोड़ने वाले मेरे दिल की दुआ लेना, मिटा कर मेरी दुनिया को नई दुनिया बसा लेना। के लिए मांग में सिंदूर दिया था, तुमने बर्बाद किया है मेरी बच्ची को। तुमने जानबूझकर ऐसी नाव में बिठाया था उसे जो किनारे तक पहुंचने से पहले ही डूबने वाली थी। भगवान तुम्हें कभी माफ न करेगा। मैंने क्या मरने की कसम धराई थी ठेकेदार साहब को, वक्त आया मर गए। सिर्फ ठेकेदार ही नहीं मरा है चाची, उसके साथ मंजू की जवानी मर गई है, उसका संसार मर गया है, बेटी का सुहाग चिता की आग में झोंक आई। अब तो कलेजा ठंडा हुआ है तुम्हारा। हाँ राम, जैसे मैं दुश्मन थी अपने बच्चे की। अब इस घर में तेरा क्या है डैन, आते ही मेरे भाई को खा ली, अब किसको खाने का इंतजार है। निकल यहाँ से, मैं एक पल भी न टिकने दूंगी तुझे। माता जी को निकालोगी तो मैं पिताजी से कह दूंगा, वो पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। अरे बैठ, अलग रहे।
तुम्हें यहाँ रहेगी तो तुम सबों को भी चबा जाएगी, मनहूस कहीं की। बस दीदी, बर्दाश्त की हद होती है, अब ये मनहूस कदम यहाँ नहीं रहेंगे। प्रणाम। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर छोड़ने पर मजबूर न करो। अभी मुझे इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है दीदी। वाह, थकने आई है मुझे, निकल जाती थी तरह, नहीं तो फेस रख करके निकालूंगी। नहीं माता जी, को कोई नहीं निकाल सकता। मैं निकालूंगी इस टाइम को, मैं निकालूंगी। मोहन, 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 उठो, मैं खाना लाई थी। ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। इतना दुख सहन कर सकोगे? जितना के भाग में लिखा है। बूढ़े पति ने दो दिन भी सुख ना पहुंचाया और छोड़कर चला गया भागन को। मैं आज ही उसे जाकर लाती हूँ। उसे मत लाना बसंती, उसका पति मरा है, उसकी इज्जत तो नहीं मरी। जिस दिन मंजू अपने स्थान से गिर जाएगी, मैं इस गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। क्या अब तुम्हें मंजू से मोहब्बत नहीं रही? मुझे उससे मोहब्बत है, लेकिन मैं उसकी रसवाई नहीं देख सकूंगा। चांद आसमान पर रहकर भी नदी की गोद से दूर नहीं होता। तुम ये मत जानियो, तुम बिसरे मोहे चैन, जैसे बन की लाकड़ी में सुलगत हो दिन रैन। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राख। मंजू, बसंती आओ। ओहो, अब तो बसंती भी याद नहीं रही तुझे। जब से आई हो भूल कर भी गांव का मुंह नहीं देखा। ऐसे भी कोई दिल को पत्थर नहीं कर लेता रानी। भरी हुई मांग लेकर आई थी, अब उजड़ा हुआ सुहाग कहां लेकर जाऊं? बाप के यही दर्शन हो जाते हैं। माँ है वो न होने के बराबर, और कौन है गांव में मेरा? वहां कोई और भी तो है तेरा, मोहन को क्यों भूल रही है पगली? बसंती, अब मैं सिर्फ मंजू नहीं, एक स्त्री, एक माँ और एक विधवा हूँ। तू एक चिंगारी से तीन धर्मों का दामन जलाने आई है, चली जा। मेरे कान किसी का नाम नहीं सुन सकते, किसी का नहीं सुन सकते। अब मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। बहुत अच्छा, जब तुझे कोई सरोकार नहीं रहा तो सुन ले, मेरी और मोहन की सगाई हो रही है, न्योता देने आई हूँ। जरूर आना, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा सगाई में। संभाल जल्दी, हांडी में उबाल आ रहा है। मैं कहती थी ना जल जाएगी। मैं हांडी से नहीं जली हूं, मैं हांडी से नहीं जली हूं। फिर किससे जली हो रानी? तेरी बातों से,
इसलिए कि मैं मोहन को छीनने आई हूँ तुझसे, इसलिए कि मेरी सगाई हो रही है उसके साथ। तूने एक अरमान भरे दिल को बर्बाद कर दिया, अब चाहती है कि कोई और भी आबाद न करे उसे। गांव के सबसे खूबसूरत फूल को पैरों से कुचल दिया, अब चाहती है कि कहीं और भी वो सरसब्ज ना हो। तूने अपनी दुनिया बसा ली, अब दूसरे का बसता हुआ घर क्यों नहीं देखा जाता तुझसे भगंदी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया? मैं चाहती हूं हो रही है। न्योता देने आई हूँ, जरूर आना, तेरे बगैर मजा ना आएगा सगाई में। इसलिए कि मैं मोहन को छीनने आई हूँ तुझसे, इसलिए कि मेरी सगाई हो रही है उसके साथ। तूने गांव के सबसे खूबसूरत फूल को पैरों से कुचल दिया, अब चाहती है कि कहीं और भी वो सरसब्ज ना हो। तूने अपनी दुनिया बसा ली, अब दूसरे का बसता हुआ घर क्यों नहीं देखा जाता तुझसे। Thank you.
माँ कहाँ जाती हो? तुम सो जाओ मुन्नू, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। सो जाओ, सो जाओ। डोरी टूट गई। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। महकुम भैया उठा तरा, उठा यार, उठा। सुना अरे ये बात अभी देख के आया हूं, ला दो मेरा कोट, ले ला दो। जल्दी का मामला है। भगवान काश ये फिर से जुड़ जाए। बधाई देने आई हूं, सगाई जो हो रही है तुम्हारी। सगाई तो जीने वालों की हुआ करती है मंजू, मैं तो उसी दिन मर गया था जब तुम डोले में बैठकर इस गांव से चली गई। मुझसे कहा था कि मर कभी साथ नहीं छूटेगा, पर तुमने तो जीते जी दामन छुड़ा लिया मंजू। ऐसा क्यों किया मंजू तुमने, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया मंजू, ऐसा क्यों किया? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हें सौंपी थी, तुम संभाल न सके। अब शरीर दूसरे का हो गया, सिर्फ आत्मा तुम्हारी है। आत्मा से आत्मा जब ही मिल सकती है, जब जीवन की दीवार रास्ते से हट जाए। मंजू, वो देखो, देखो तूफान आ रहा है। मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे वापस जाना चाहिए। तुम चली जाओगी मंजू? हाँ मोहन, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। हमारा तुम्हारा मेल इस दुनिया के लिए नहीं है मोहन। मंजू, नहीं है। मत जाओ मंजू,
नहीं मोहन, अब हमारे रास्ते दो हो चुके हैं। तुम्हें उस तरफ और मुझे इस तरफ जाना है। जिंदगी की डोर टूट गई मंजो, मगर मोहब्बत की डोर नहीं टूट सकती। तुम दुनिया के लिए मर गई, मगर मेरे लिए जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहोगी। अब तुम्हें और कोई नहीं पा सकता मंजो, आज से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, हमेशा मेरी रहोगी मंजू। निर्दय पापी, ये तुमने क्या किया? किस वक्त का बदला लिया है मुझसे? बोल बोल। अरे आप ये क्या बोलेगा? मैं क्या तुमसे जल्दी से पुलिस के हवाले करो, वरना खिसक जाएगा, मुकदमा हम लोग लड़ लेंगे। सारे बयान सुनने के बाद भी मुल्जिम खुद जवाब देना नहीं चाहता। गवाहों के बयान से भी साबित हो चुका है कि खून इसी ने किया है, इसलिए अदालत 20 साल कैद सख्त का हुक्म सुनाती है। कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, दुनिया में कम न होंगे अफसोस।